वजीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के हाथों हफ्ते के रोज चंद्रन गुप्ता फ्लाईओवर की तौसीक का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर हैदराबाद रुकने पार्लियमान असदुद्दीन अवैसी वो चंद्रन गुप्ता रुकने असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी वो दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में जगह जगह बस्ती दवाखाने खोले गए हैं जहाँ पर गरीबों का इलाज बहुत अच्छी ट्रैफिक के लिए काफी सहूलत होगी। और आप सब लोग जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए। उसके साथ साथ पुराने शहर में भी मैं समझता हूँ पुराना शहर नहीं है ऐसी यही सबसे अहम शहर है चूंकि यहाँ पर चांदर है ये ओल्ड सिटी नहीं जबकि गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद करते हैं तेलंगाना मूवमेंट में भी हम ओल्ड सिटी को हमेशा गोल्ड सिटी कहा करते थे और गोल्ड सिटी की तरह ये शहर हमारा अमान का है कि हमारा है। इसके लिए हमारे आने पर सी एम साहब ने शहर की तरक्की के लिए आवाम की सहूलत के लिए कई ब्रिजेस हैदराबाद में डाले गए हैं और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सीएम साहब ने 8,052 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं जिस जो SRDP फंड से जारी होते हैं जिसमें 31 ब्रिजेस बनाए गए और खासतौर से पुराने शहर में भी बहादुरपुरा ब्रिज अवेसी जंक्शन ब्रिज चंद्रनगुट्टा ब्रिज जो साबिरनगर में बन चुका है और एक्सटेंशन हुआ है और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने